हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। आज का वीडियो पार्ट टू है। ये आपका यूनिट टू कस्टमाइज एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट का है। आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट टैग के बारे में, वो भी मोबाइल से थ्रू ऐप। ओके, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने, यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने एप्लीकेशन के बारे में समझा चुके हैं कि कौन सी एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी है और किस तरह से आपको उसे डाउनलोड करना है। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी उसका लिंक दे रखा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले, जैसे कि लास्ट क्लास में जैसे हमने बताया था कि आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जहाँ भी आपका स्टोरेज है। जैसे अपना फ़ोन स्टोरेज है, तो फ़ोन स्टोरेज में यानी कि इंटरनल स्टोरेज मेमोरी थी, डॉक्यूमेंट में हमने फोल्डर बना रखा है वेबसाइट का, इसमें हमने अपनी वीडियो फाइल डाल रखी है। अब हम इसे क्रिएट करते हैं HTML फाइल को। हम अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे, एनराइटर, यहाँ पे एनराइटर सॉफ्टवेयर हमने ओपन करा। न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी ऑलरेडी प्रीवियस क्लास की वीडियो में समझा चुके हैं। हम अपनी फाइल ओपन करेंगे जो हमने कोडिंग कर रखी है, हमारी फाइल example1.html। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट टैग के बारे में लिखा है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट टैग के अंदर किसी भी फाइल को जब हम एम्बेड करते हैं तो इसमें डिफरेंट तरीके भी होते हैं। या तो हम ऑब्जेक्ट टैग के अंदर एम्बेड की कोडिंग करके भी वीडियो फाइल को, ऑडियो, वीडियो, इमेज, किसी भी फाइल को हम एम्बेड करा सकते हैं एम्बेड टैग का यूज़ करके। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट टैग लिख कर, अब जो बीच का इसका फॉर्मेट दे रखा है, बीच में दे रखा है, कोडिंग दे रखी है, इसको अभी हमने कमेंट देकर हाइड कर रखा है। कमेंट टैग का यहाँ पे क्या यूज़ होता है कि वो किसी भी कोड को रन करने के लिए स्टॉप कर देता है, वो रन नहीं होगा अगर हमने कमेंट टैग दे दिया। ठीक है, तो अभी हमने कमेंट टैग लगा रखा है ऊपर और हमने सिर्फ एम्बेड टैग को क्या कर रखा है, एग्जीक्यूट कर रखा है, रन करा रखा है। तो यहाँ पे हमने एम्बेड SRC फाइल का नाम रख रखा है, PRAC3, जो ऑलरेडी हमारे उसमें फोल्डर में सेव है। अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए रन होती या नहीं होती। तो देखिए ये हमारी फाइल रन हो रही है, वापस बैक जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से जो हमारी फाइल है इसका कमेंट हम हटा देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ हम जैसे डाटा को लिखते हैं, किसी भी फाइल को अगर हमें लगाना है तो हम डाटा लिखते हैं। ओके, बाकी एम्बेड के अंदर हम SRC लिखते हैं। अब यहाँ से हमने फाइल हटा दी है। अब यहाँ पे नीचे जो परम है, यानी कि इसे पैरामीटर कहते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, हाइफन लगाएंगे और डैश डैश लगाएंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, कमेंट हो चुका है, यानी कि हाइड हो चुका है, अब ये रन नहीं करेगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं फाइल को। तो ये देखिए, तो ये हमारे फाइल रन कर रही है। अब आपका, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने दो बार कोडिंग लिख रखी है, एम्बेड में भी लिख रखी है, ऑब्जेक्ट में भी लिख रखी है, अब फाइल कौन सी रन हो रही है? तो फाइल हमारी वही रन हो रही है जो फर्स्ट फाइल है हमारी। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट डाटा PRAC3। अगर हम फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, जो हमारी फाइल का नाम है PRAC1 कर देते हैं, सॉरी PRAC2 के नाम से सेव है, वो कर देते हैं। अब इसे हम रन करते हैं तो ये देखिए, तो हमारी PRAC2 नाम से फाइल स्टार्ट हो रही है, रन हो रही है, जबकि PRAC3 से नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा जो JavaScript में क्या होता है, या HTML कह सकते हैं, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज आप कह सकते हो, उसके अंदर पहला कोड ही रन करता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कोड रन किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर से इसके पैरामीटर का हम ये हटाते हैं। पैरामीटर का फ़ायदा ये होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर दे सकते हो, आपको ऑटो प्ले कराना है। ठीक है, ऑटो प्ले और ऑटो स्टार्ट एक सिमिलर ही है, अगर हमने 0 दे रखा है यानी कि वो फॉल्स ही है। ओके, BG कलर, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। अब यहाँ से हम ये कमेंट को हटा देते हैं। अब हम पैरामीटर के थ्रू रन करा के देखते हैं तो हमारा कौन सा होगा। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को भी, हम यहाँ से डाटा को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, इसको यहाँ पे एंगल ब्रैकेट लगाते हैं एंड देन यहाँ पे हम कमेंट करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं ऊपर के कोड को। ध्यान से देखना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा।
और यहाँ पे हम डैश डैश लगा के एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पे हम एम्बेड को भी क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ये सब चीज़ मैं मोबाइल में कर रहा हूँ। जिनके पास लैपटॉप या मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो वो इस टेक्निक का यूज़ करके अपनी कोडिंग कर सकते हैं। अब हम इसे रन करते हैं, ओनली इसमें पैरामीटर दिया गया है। ओके, फाइल हमारी क्या हो रही है, रन हो रही है। तो ये आपको समझ में आया? तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं और एम्बेड टैग का यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट टैग के अंदर आप चाहो तो इमेज फाइल भी लगा सकते हैं, ऑडियो फाइल भी लगा सकते हैं, वीडियो फाइल भी लगा सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग लिख सकते हो। ओके, और अगर आपको फुल कोडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको कोडिंग भेज सकूं। सो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।